अभी मेरे साथ ना बहुत वियर्ड चीज हुई। मतलब अभी मेरे को एक बंदे का कॉल आया, और पता है वो कौन था? हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी 10 बजने वाले हैं और मैं आज कॉलेज नहीं गया, बस ऐसे मन नहीं कर रहा था, नहीं गया। और क्या, आज के व्लॉग शुरू कर दे। हमेशा की तरह पहला काम, पौधे को पानी दे देते हैं। मैं जब पौधे को पानी देता हूँ तो ही व्लॉग बनाता हूँ, जब व्लॉग बनाता हूँ तो ही पौधे को पानी देता हूँ। आज का नाश्ता 2 केला और चना मसाला। नहा धो के खा पी के सब कुछ हो गया, और हर शाम की तरह ये शाम भी अकेला। यार मेरे अंदर ना दो पर्सनैलिटी मोड है, एक वो जो इतना बोलता है कि चुप ही नहीं होता है, और दूसरा वो कि इतना चुप रहता हूँ कि मेरे को घड़ी के काटे की आवाज़ टिक टिक सुनाई देती है दिन में। मैंने यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, वीडियो एडिट करने को है ही नहीं आज, और सब कुछ कर लिया। लग रहा है जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है करने को, तब भी यार दिन बीतने कोई नाम नहीं ले रहा है। मेरे को तो लगता है मेरे से फ्री आदमी इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मतलब कि यार दिन का 12-13 घंटे तो मैं लेट के बिता देता हूँ, अब लग रहा है मेरे को अपना टाइम पास करने के लिए घर की ताई बनना पड़ेगा। उधर घर की साफ सफाई करते हैं। तो फाइनली सारी सफाई भी हो गई, अब क्या करें यार। सफाई करने में तो 5 मिनट भी नहीं लगा। एक काम करता हूँ, ये टेबल को साफ करता हूँ। हो गई टेबल भी साफ। इतनी साफ टेबल तो मैंने तब देखा जब ये टेबल खरीद के लाए थे। एक तरफ मेरे को व्लॉगिंग ना सबसे आसान काम लगता है, कि मतलब खाली अपना रूटीन शेयर करना होता है, और दूसरी तरफ मेरे को व्लॉगिंग सबसे मुश्किल काम लगता है। मतलब यार डेली डेली सेम रूटीन देख के तुम लोग को क्या मजा आएगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा डेली। अभी मेरे साथ ना बहुत वियर्ड चीज हुई। मतलब अभी मेरे को एक बंदे का कॉल आया, और पता है वो कौन था? पहले मैं तुम लोग को स्टोरी बताता हूँ। इंस्टाग्राम ने मेरे को मेरा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए बोला, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, OTP डाला, वेरीफाई कर दिया अपना मोबाइल नंबर। तो उसके बाद ये 2-3 दिन पहले किया था मैंने, लेकिन मैंने सेटिंग में चेक नहीं किया कि वो मेरा मोबाइल नंबर है। वो मैंने अकाउंट पे हाइड का ऑप्शन रहता है, वो हाइड नहीं किया था, ऑन था। तो फॉलो मैसेज, उसके बाद जो कॉल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में मेरा नंबर था। तो एक बंदे ने मेरे को मेरे अकाउंट के कॉन्टेक्ट में से कॉल किया। मतलब सोच रहे हो वो बंदा जिंदगी में कितना अकेला होगा, एक लड़का होके दूसरे लड़के को कॉल कर रहा है, वो भी एकदम अननोन, कभी जान ना पहचान कुछ नहीं। और मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मेरे फैन से जो कॉल करेंगे। कोई लड़की के अकाउंट पे अगर कॉल करे अकाउंट से नंबर लेके, तो समझ में आए उसने मेरे को क्यों कॉल किया, किस लेवल का डिप्रेशन होगा उस बंदे का। और पता है मैंने उसको कॉल एक बार ऐसा बोला कि कहाँ से नंबर लिया, ये वो बोल के रख दिया। दोबारा कॉल कर रहा है, तिबारा कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, और बहुत प्यार से तमीज से बात कर रहा है, इसने गाली दे रहा है, बहुत प्यार से बात कर रहा है, और बात करने के लिए और कॉल कर रहा है। समझ रहे जिंदगी में कैसे, कई दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। अभी 5 बज रहे हैं, आतिफा मैडम सो रही है। ऐसा कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब ऐसा मुंह पोछेंगे, लेकिन जैसे कैमरा देखेंगे वैसे बोलेंगे गिव मी 1 टिश्यू। तो आतिफा उस टाइप की लड़की है, मतलब अभी देख लेगी ना कैमरा चालू उठा रहा हूँ तो एकदम फॉर्मल तरीके से उठेगी, देखना अभी। हाँ इतनी इतनी उठ, व्लॉग बना रहा हूँ, उठ। तो यार ये तो पता नहीं कब उठेगी, लेकिन तुमने देखा जैसे ही बोला कि व्लॉग बना रहा हूँ दिखा दी। अभी थोड़ा देर और कैमरा ऑन रखूंगा ना तो उड़ जाएगी, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करते किसी को। आधे घंटे से मैं तरुण गिल की वीडियो देख रहा था। नहीं, मेरे को कोई बीमारी नहीं हुई है। मैं तरुण गिल की वीडियो इसलिए देख रहा था कि उस पर वीडियो बनाने के लिए। अभी दिवाली छुट्टी में ना मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया हूँ, एक हफ्ते से मतलब बैठा हूँ मैं, कोई वीडियो नहीं कर रहा हूँ मेन चैनल के लिए। तब भी डेली वीडियो डाल रहा हूँ, हर 2 दिन पे एक वीडियो।
और अभी भी मेरे पास दो वीडियो पड़ी हुई है, एक पायल जोन के ऊपर एक गौरव जोन के ऊपर, मतलब पूरी कंप्लीट रखी है। अब सोच रहा हूँ एक हफ्ता हो गया कुछ किए नहीं, एक आध वीडियो बना लेते हैं, तो कंफ्यूज हूँ तरुण पे बनाऊँ, तरुण गिल पे या पायल जोन पे, नहीं पायल जोन पे रेडी है, तरुण गिल पे या राजू रोशनी पे या सहवाग रिद्धि पे या उर्फी पे, सोफिया पे या व्लॉगर्स पे, कोई टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में चल नहीं रहा। अभी मार्केट पूरा ठंडा पड़ा है, किसी की भी अभी लड़ाई नहीं चल रही है, कॉन्ट्रोवर्सी कोई चल नहीं रही है। देखो किसी पे तो अभी बनाऊंगा वीडियो, जा रहा हूँ एक बार राजू रोशनी का चैनल चेक करता हूँ, कुछ मिल जाए वो उस पर। तो फाइनली 2 घंटे के रिसर्च के बाद एक टॉपिक मिल गया मेरे को, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स की एक वीडियो मिली, वो बंदे का पूरा चैनल तुम लोग जानते रहोगे, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन पता नहीं है वीडियो कब आएगी। मेरे को एक बंदा मिल गया रोस्ट बनाने के लिए, तो अब बुक और पेन निकालते हैं। यूट्यूब स्क्रिप्ट और पेन, नहीं सस्ती वाली पेन से देखूंगा। ये पेन से ये। तो मिलते हैं स्क्रिप्ट लिखने के बाद। ये ट्रेंडिंग पेज पे मैं अपना कुछ ढूंढ रहा था किसी को रोस्ट करने के लिए, तो मेरे को मिला ये सॉन्ग शाही जिंदगी सागर पॉप का। मतलब भाई बंदे ने क्या गाया है गाना, एकदम ऐसे लग रहा है कोई प्रोफेशनल कोई पंजाबी सिंगर हो। पब्लिक तो भी मतलब ही इसको रोस्ट कर रही थी फालतू कॉमेडी के लिए, ये कॉमेडियन से तो बेटर क्या, बहुत ज़्यादा बेटर सिंगर है। हेलो, मैं 1:30 को घर पे आई स्कूल से, फिर 2 बजे तक खाना खाई और मैं सो गई। जस्ट अभी 7:30 बज रहा है, अभी उठ रही हूँ और मुझे अभी फिर से भूख लगी है, चलो कुछ खाने को लेके आते हैं। ये सब मैंने बनाया है, ये भी और ये ऊपर वाला भी, तो तीनों में से कौन सा अच्छा है कमेंट करके बताओ। पूरे 1 घंटे बाद वीडियो की स्क्रिप्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, तो अभी कल वीडियो शूट करूंगा। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बाय।